आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। केंद्र ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ACB पथक ने हिस्कॉम के अधिकारियों पर छापा मारा। बेलगाम शहर और तालुका में बारिश का पुनरागमन। बाईपास परियोजना के निलंबन को उठाने के लिए प्रशासन के प्रयास। अब विधान परिषद के आवेदनों की वापसी पर चर्चा। किन्हीं से चोरला रोड बदहाली से यात्री परेशान। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्ता पूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभे राहणारे नाव म्हणजेच अणवेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अणवेकर गोल्ड। अणवेकर गोल्ड, 888-43-888-63। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में तीनों कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में कानून को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोपहर 3 बजे इसकी जानकारी देंगे। इसमें वो कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के फैसले की जानकारी देंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। ये विधेयक 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बताया जाता है कि कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश पर कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक तैयार किया है। जिस तरह किसी कानून के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है, उसी तरह इसके निरसन के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल के पास होते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। ACB पथक ने हिस्कॉम के अधिकारियों पर छापा मारा। ACB की टीम ने हिस्कॉम में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की है। टीम ने राज्य में 60 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। बेलगाम जिले के गोकाक, सौंदती और बेलगाम शहर में भी छापेमारी की गई। इसमें आय से अधिक संपत्ति की जब्ती की जानकारी है। इस कदम से हिस्कॉम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इसमें सौंदती के अधिकारी AK मास्ती, गोकाक के हिस्कॉम इंस्पेक्टर सदाशिव मलिंगना और बेलगाव के नाताजी पाटिल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई 8 पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में ACB की टीम द्वारा गठित टीम ने की। बेलगाम शहर और तालुका में बारिश का पुनरागमन। पिछले एक हफ्ते में दक्षिण कर्नाटक में हो रही भारी बारिश अब उत्तरी कर्नाटक में लौट आई है। बुधवार से एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिसने पूरी उत्तरी कर्नाटक पर छाया डाली है। बुधवार की सुबह हुई बारिश सचमुच मूसलाधार बारिश कर रही थी। गरज और बिजली ने शहर और उसके आसपास के इलाकों को चमका दिया, जिससे नागरिकों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। नतीजा ये रहा कि शहर के कई हिस्सों में पानी बहता नजर आया। बुधवार सुबह शहर और तालुका में बारिश हुई। सोमवार को भी बरसात का दिन था। रविवार को ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि किसानों की रोजी रोटी छिन गई। धान की कटाई करने वाले किसानों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश में खड़ी फसलें मिली। तालुका में किसानों को नुकसान हुआ। बारिश में कई जगह थ्रेसिंग मिली। तालुका में पिछले 4 दिनों से बादल छाए हुए हैं, इसके चलते कटाई ठप हो गई है। लेकिन कुछ किसान थ्रेसिंग और कटाई में शामिल थे, वे बारिश की चपेट में आ गए हैं। सुबह से ही बादल छाए हुए थे, ठंड गायब हो गई थी और गर्मी बढ़ गई थी। क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे बारिश हुई।
किनिये भादरवाड़ी करले शिवमनगर रणकुंडे कवलेवाड़ी इलाकों में करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। सबसे ज़्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ। थ्रेसिंग और कटाई में लगे किसानों के होश उड़ गए। फसलों को बारिश से बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। इससे फसलों और घास को भी नुकसान पहुँचा है। बाईपास परियोजना के निलंबन को उठाने के लिए प्रशासन के प्रयास। मंगलवार 23 दिसंबर को हलगा मच्छे क्षेत्र बाईपास के निलंबन पर सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। किसानों और राजमार्ग प्राधिकरण के अभिवक्ताओं ने जोरदार तर्क दिए, इसलिए कोर्ट गुरुवार को किसानों के दावे पर फैसला सुनाएगी। हलगा मच्छे बाईपास कार्य ठप होने से हाईवे प्राधिकरण के अभिवक्ताओं ने मंगलवार को इस अदालत में किसानों पर मुकदमा किया। बाईपास के काम में देरी से प्राधिकरण को 60 से 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए स्थगन हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने किसानों को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी है। राजमार्ग प्राधिकरण को दिए गए इस अवसर के बावजूद किसानों के दावे को चुनौती दी जा रही है, ये गलत है, ऐसा तर्क एडवोकेट रवि कुमार गोकाकर ने दिया। इसका फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए गुरुवार को तय किया जाएगा कि हलगा मच्छे बाईपास पर लगा निलंबन हटाया जाएगा या नहीं। अब विधान परिषद के आवेदनों की वापसी पर चर्चा। विधान परिषद चुनाव के लिए आवेदनों की जांच की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। उम्मीदवारों को अगले 2 दिनों के भीतर अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा है कि चुनावी मैदान से कौन हटेगा। ये चुनाव मुख्य रूप से राजनीतिक दल के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा का है, इसलिए इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि किस उम्मीदवार को वापस लिया जाएगा और किस उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा। विधान परिषद की सीटों के लिए आने वाली 10 तारीख को मतदान समाप्त हो रहा है। इसके लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अंतिम समय में ये भी घोषणा की कि उनकी उम्मीदवारी को सील कर दिया गया है। भाजपा से महंतेश कवड़गी मठ, कांग्रेस से चन्नाराज हट्टीहोली, आप से शंकर हेगड़े और निर्दलीय से लखन जारकीहोली ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा जगदीश कवड़कीमठ, संगमेश चिकनगुंड, कलमेश गंगी, नागप्पा कलसन्नावर, शंकर कुटसन्नावर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। नतीश तो मंगलवार को उम्मीदवारों की कुल संख्या 10 थी। किनिये से चोरला रोड बदहाली से यात्री परेशान। बेलगाम से गोवा का सफर फिलहाल मुश्किल हो गया है। एक तरफ खानापुर, लोंडा और रामनगर होते हुए गोवा जाने वाली सड़क का काम जोरों पर है। दूसरी ओर उपलब्ध चोरला मार्ग से आना जाना मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस सड़क की हालत खस्ता है, इसलिए यहाँ से वाहनों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बेलगाम शहर से निकलने के बाद किणिये से सड़क बदहाली शुरू हो जाती है। सड़क के बड़े छेद से निकलने की कोशिश में वाहन मालिक का ध्यान भटक रहा है। कहीं कहीं सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसे डंप करने और आगे बढ़ने का समय आ गया है। बेलगाम और गोवा के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध है, इसलिए यहाँ से छोटे बड़े वाहनों का नियमित आवागमन शुरू हो जाता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण ये करीब 50 किलोमीटर इस दूरी को पार करने में काफ़ी समय लगता है। इसके चलते यात्रियों की हालत खराब होने लगी है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। एक्सक्लूसिव गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनियम ज्वेलरी शोरूम। Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaum vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट,
लिंगराज कॉलेज के पास बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य विधानसभा दिसंबर में बुलाई जानी है और कोरोना की पृष्ठभूमि के खिलाफ सभी सावधानियां बरती जानी चाहिए, ऐसा वेंकटेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिला कलेक्टर वेंकटेश कुमार ने विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर अधिकारियों की समक्ष बैठक की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के त्यागराजन, रेजिडेंट कलेक्टर शंकरप्पा वनकयाल, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दर्शन यचवी, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली आदि उपस्थित थे। वेंकटेश कुमार ने कहा कि कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए अधिवेशन अवधि के दौरान कोरोना रूट का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। सभी जगहों पर सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का सख्ती से पालन कराया जाए। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने, खाने और रहने की व्यवस्था की जाए। पूर्व में छोड़ी गई त्रुटियों को देखते हुए इस बार उन्हें पूरा किया जाए। होटल या लॉज बुक करते समय उसे सैनिटाइज करना चाहिए। कन्वेंशन ग्राउंड में मोबाइल, शौचालय, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता प्रदान की जानी चाहिए। बारिश की पृष्ठभूमि में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने अपने अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों में अधिकारी बैठकें कर योजना बनानी चाहिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुमित्रा उगले समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित। कारतगा तालुका निपानी से पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुमित्रा दिलीप कुमार उगाले को महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रूपलीताई चाकणकर, पूर्व सांसद निवेदिता माने और भक्ति शिंदे द्वारा इच्छा कांजी के श्रावस्ती बहुउद्देश्य सेवा संगठन के समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री सुमित्रा उगाले ने कहा, यह मेरे द्वारा अब तक किए गए कार्यों की स्वीकृति है। अब से मैं सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहूंगी और मैं जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कई योजनाओं और समाधानों के लिए प्रतिबद्ध हूं, ऐसा उन्होंने बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुदीप सिंह उगले, सदस्य राजू खिचड़े, सुभाष ठकाने, दिलीप कुमार उगले सहित गणमान्य व्यक्ति एवं शुभचिंतक उपस्थित थे। परिवार नियोजन संस्थान द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान के कार्यालय द्वारा हाल ही में समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का कार्यक्रम मुख्य रूप से रिक्शा चालक संघ के माध्यम से चलाया गया। इसका संगठन के सदस्यों ने खूब स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष अब्दुल दुबई वाले ने किया। इस अवसर पर मौजूद रिक्शा चालकों ने इस पहल पर संतोष व्यक्त किया। इसमें डॉक्टर गोविंदराव कुलकर्णी, डॉक्टर यलानगौड़ा पाटिल, डॉक्टर आरती कुलकर्णी ने सदस्यों के स्वास्थ्य की जाँच की। नियाज शेख, एस महादेव, मारुति तहसीलदार, अजीम बेपारी, महेश सावंत, अंसार शेख और अन्य सदस्यों ने शिविर को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। मांगुर में 28 को भव्य मैट कबड्डी प्रतियोगिता। मांगुर गांव के निवासी शिवकुमार भोसले के नेतृत्व में 65 किलोग्राम मैट पर भव्य कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। यह जानकारी जिला प्रहार के बेलगाम प्रमुख शिवकुमार बोदले ने मांगुर में हुई बैठक में दी। इस खेल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वदेशी खेलों के बारे में शिक्षित करना और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में विधायक राजकुमार पटेल, महाराष्ट्र राज्य प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता शंभुराजे खलाटे, श्रीराम सेना के रमाकांत कोंडुस्कर, सांगली जिला प्रहार अध्यक्ष स्वप्निल पाटिल, कोल्हापुर जिलाध्यक्ष जयराज कोली सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे। इस कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पहला स्थान 7,000 रुपये और फाइनल के लिए बेस्ट राइडर और डिपेंडर के लिए ट्रॉफियाँ भी होगी। हालांकि आयोजकों ने स्थानीय कबड्डी खिलाड़ियों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है। आधार कार्ड में त्रुटि के कारण किसान ऋषि ऋण माफी से वंचित। कर्नाटक राज्य में किसानों के कृषि उत्थान के उद्देश्य से कृषि ऋण दिया जाता है। हालांकि राशन कार्ड और आधार कार्ड में गलती के कारण किसानों को दी जा रही सुविधाओं पर आघात हो रहा है, ऐसा निपानी के सिद्धगौंडा भाऊ पोटले ने कहा। उन्होंने वर्ष 2016 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से कृषि ऋण लिया था। शासनादेश के अनुसार फसल ऋण माफ किया गया। मेरे लिए यह कर्ज माफी की सुविधा मिलना बहुत जरूरी था, इस संबंध में बोलते हुए उन्होंने पिछले साल कहा था। इस बीच जिन लोगों को जमानत दी गई है उनके गन्ना बिलों से कर्ज वसूल कर लिया गया है। नतीजतन सरकार ने अतिथि आधार कार्ड में कोई गंभीर गलती नहीं की है। 50,000 रुपये उधार लिए गए थे, दरअसल कर्ज माफ किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने मुझसे 5,000 रुपये और 1,10,000 रुपये ब्याज सहित वसूल किए थे, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। रेल बस सेवा शुरू करने की सिटीजन काउंसिल की मांग।
बेलगाम हवाई अड्डे को हाल ही में देश के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ा गया है और यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को एक बयान में सिटीजन काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है। सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर के नेतृत्व में बेलगाम हवाई अड्डे के निर्देशक राजेश कुमार मौर्य को प्रस्ताव पेश किया गया। यात्रियों को वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है क्योंकि बेलगाम शहर से हवाई अड्डे तक कोई विशेष परिवहन सुविधा नहीं है। हवाई अड्डे से शहर तक यात्री परिवहन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य में रेल बस या रेल कार का विकल्प उन यात्रियों के लिए बहुत उपयुक्त होगा जिन्हें परिवहन का बोझ उठाना पड़ता है। वक्तव्य देते समय नागरिक परिषद बेलगाम के अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर, विकास कलकड़गी, अरुण कुलकर्णी आदि मौजूद थे। सेंट पॉल सेंट जेवियर स्कूल के विजयी सलामी बल्लेबाज। सेंट पॉल हाईस्कूल कैंप में मंगलवार को आयोजित 54वें फादर एडे मेमोरियल कप सेकेंडरी इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में सेंट पॉल सेंट जेवियर्स स्कूल ने अपने विरोधियों को हराकर जीत की शुरुआत की। कैंप में सेंट पॉल हाईस्कूल मैदान में मंगलवार सुबह उद्घाटन समारोह में कर्नल स्वप्निल भी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सीवीओ अब्रू, कुलपति फादर स्टीवन परेरा, रेक्टन रोनी डिसोजा, हेड मिस्ट्रेस रूपा चर्चिल, लीरा डिसोजा, फादर स्टीवन आलमेडा, प्रतिस्पर्धा सचिव रॉयस्टन जेम्स, साजिद शेख उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।